नमस्कार, मैं पूजा कपूर और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। एक व्यापारी की हत्या हुई थी और घटनास्थल पे देखने से ये लग रहा था कि लूट के उद्देश्य से हत्या की घटना कारित की गई है। इसके लिए पुलिस की कई टीमें लगी हुई थी, क्राइम ब्रांच की भी कई टीमों को इसकी घटना के अनावरण के लिए लगाया गया था। आज इसमें से दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम प्रभु नारायण और नीतीश पांडे है। प्रभु नारायण चौबेपुर का रहने वाला है, थाना चौबेपुर में रहता है, और नीतीश पांडे आशापुर सारनाथ का ही रहने वाला है। इनसे पूछताछ में इस घटना का खुलासा हुआ है और इनके द्वारा घटना में अपना इन्वॉल्वमेंट जो है एक्सेप्ट किया गया है। इसमें इनको एक आपराधिक गैंग को ये जानकारी हुई थी कि हर मंडे को अच्छा खासा कैश लेके ये व्यापारी आते हैं, और उसी इन्फॉर्मेशन पे इन लोगों के द्वारा एक लूट की योजना बनाई गई और सब लोग वहाँ पे मौजूद रहे। ये दो अभियुक्त आज जो पकड़े गए, प्रभु नारायण और नीतीश पांडे, ये अपने अपने गाड़ी से रेकी और वॉच करने के लिए उनको लगाया गया था, ताकि बाहरी कोई व्यक्ति अगर आ जाए तो उसको रोका जा सके और घटना को करने में कोई परेशानी ना हो, इस उद्देश्य से उनको लगाया गया था। बदले में इनको 50,000 से 80,000 के रुपए के बीच देने का बात तय हुई थी। अभी बुद्धू से उनका फरार चल रहा है। इसके अलावा इस घटना में अन्य दो व्यक्ति शामिल थे, उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है, विवेचना में उसके बारे में भी साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। अभी वो लोग भी फरार चल रहे हैं। इस तरह से टोटल 5 लोगों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें से 2 अभियुक्तों को आज गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से एक 32 बोर का पिस्टल बरामद हुआ है, और इसके अलावा घटना में प्रयुक्त की गई उनके द्वारा गाड़ी इसमें बरामद हुई है। अन्य विवेचना के क्रम में अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास चल रहा है और शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। और इसके अलावा बुद्धू सोनकर भी उसमें घटना में इन्वॉल्व रहा, अन्य 2 लोगों ने रेकी का काम किया है। गिरफ्तार करने वाली टीम को पुरस्कार दिया जा रहा है? गिरफ्तारी की टीम को 25,000 रुपए का पुरस्कार मेरी तरफ से दिया जाएगा, क्योंकि एक बड़ी जघन्य घटना थी और इसका खुलासा करना एक पुलिस के लिए बड़ा चुनौती बन गया था, और कम समय में इस घटना का अनावरण हुआ है और इसमें जो पीड़ित के परिवार है उनसे भी वार्ता हुई है और वो भी पुलिस के खुलासे से संतुष्ट है। तब तक आप बनारस को अच्छा नहीं करते, जिन जगहों पर इसी तरह रहा तो व्यापारी बनारस छोड़ के भाग जाएंगे। ये प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, क्या जवाब देंगे प्रधानमंत्री जी? इतना चिंतित आप हैं, हम भी उतने ही चिंतित हैं, ऐसा नहीं है। धर्मेंद्र गुप्ता हत्याकांड के संदर्भ में आज अपर पुलिस महानिदेशक से उनसे वार्ता हुई और हमने कहा कि जिस प्रकार से वाराणसी के अंदर दिन पे दिन घटनाएं घटती चली जा रही हैं, उस पर कोई अंकुश नहीं लगता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि खाकी और अपराधी का कहीं ना कहीं निश्चित रूप से यहां पर गठजोड़ हो चुका है, जिसके कारण से अपराधी पकड़े नहीं जा रहे और व्यापारी भययुक्त होता जा रहा है। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन 22 जुलाई को ही वाराणसी में युवा व्यापारी धर्मेंद्र गुप्ता के हत्याकांड के संदर्भ में आज वाराणसी जिले का एक प्रतिनिधि मंडल अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन से मिला। उनकी वार्ता के पूर्व हम धर्मेंद्र गुप्ता जी के परिवार में दिलीप अग्रेजी जी से भी वार्ता हुई, जैसा उन्होंने अवगत कराया कि एक केस वर्कआउट होने के कगार पर है। तो एडीजीपी से मिलने के बाद भी उनके परिवार में वार्ता हुई, ये कहा गया कि 2 लोगों को एसएसपी महोदय ने उनके यहाँ बुलाया था, उनसे ये कहलवाया कि ये लोग संलिप्त हो सकते हैं। मेरा मानना है कि इसमें जब तक मुख्य आरोपी वो लोग पकड़े नहीं जाते, तब तक वाराणसी उद्योग व्यापार मंडल, यहाँ पर वाराणसी व्यापार मंडल संघर्ष करेगा,
उसकी बैठकर यहाँ पर रणनीति बनाई गई, एक योजना तैयार की गई। एक तारीख को लोराबीर में 10 बजे से 12 बजे तक प्रदर्शन किया जाएगा, धरना दिया जाएगा। उसके बाद 3 तारीख को वाराणसी जिले में महानगर में वाहन जुलूस निकालकर काली पट्टी बांधकर पूरे महानगर को एक वाहन जुलूस निकाला जाएगा इस घटना के विरोध में। और उसके बाद 5 अगस्त को पूरा वाराणसी बंद किया जाएगा। हमारी प्रशासन से मांग है मैं साक्ष्य के साथ पकड़े जाएं, जिससे बनारस में विश्वसनीयता आम नागरिकों में कायम हो सके। आज विश्वसनीयता का बहुत बड़ा अभाव प्रशासन के द्वारा यहाँ के क्षेत्रीय लोगों में देखने को मिल रहा है। विगत अगर 15-20 दिन की बात करें, एक माह की बात करें, तो अपराध का ग्राफ वाराणसी के अंदर बहुत बढ़ गया है। उसमें निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ स्थानीय प्रशासन जो पुलिस अधीक्षक है चाहे जिलाधिकारी महोदय है, निश्चित रूप से नकारा उसको कम करने में कंट्रोल करने में नकारा साबित हुए हैं। और अपराधी मैं साक्ष के मैं माल के पकड़े जाएं, ये मांग हम लोगों की रखी गई। वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा, जिस तरह से विगत महीने से बनारस में अपराध चोरी लूट हत्या का ग्राफ बढ़ा है, व्यापारी भयभीत हो चुका है और हमारा युवा व्यापारी धर्मेंद्र गुप्ता इसकी बलि चढ़ चुके हैं। आज हम लोग एडीजी से मिले हैं और हम लोगों ने मांग रखी है कि मैं साक्ष गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा नहीं तो वाराणसी व्यापार मंडल बृहस्पतिवार को लोराबीर चौराहे पे 2 घंटे का धरना देगा और शनिवार को वाहन जुलूस निकालेगा और सोमवार को 5 अगस्त को वाराणसी बंद का ऐलान होगा। इसके अंतर्गत एक 7 वर्षीय बच्चे की हत्या की घटना हुई थी। ये घटना पुलिस के लिए एक चैलेंज बन गई थी क्योंकि अज्ञात में मुकदमा दर्ज हुआ था और घटना के क्रम में कई लोगों को पूछताछ के लिए लाया गया था, परंतु घटना का अनावरण जो है नहीं हो पाया और कोई ऐसा एंगल रंजिश या अन्य कोई एंगल भी जो है दिखाई नहीं दिया। आज एक अभियुक्त को जिसका उम्र 16 वर्ष है, इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसने पूछताछ में पूरी घटना को स्वीकार किया है और घटना कारित करना भी बताया गया है। इसमें जानकारी यही हुई है कि ये दोनों लोग साथ में ही खेलते थे आपस में और ये कुछ उसके साथ जो है प्राकृतिक दुष्कर्म की भी घटना किया है इसके द्वारा, और ये खेलने में ही इनका आपस में बाद में विवाद हुआ। एक दिन पतंग उड़ाने की बात को लेके विवाद हुआ, उसी में आपस में मारपीट हुई और उसी मारपीट के क्रम में उसके द्वारा ये हत्या की घटना की गई। आज अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और विगत 2-3 महीने से अनावरण हेतु शेष इस घटना की आज पूरा करके जांच पूरी करके इसको अभियुक्त की गिरफ्तारी की जा रही है। इस टीम में कौन लोग शामिल थे? भेलूपुर में इंस्पेक्टर भेलूपुर शामिल थे, उन्हीं के टीम के द्वारा ये काम किया। क्राउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।